नमस्कार, क्या हाल आप सभी के? उम्मीद करता हूँ आप सारे भी एकदम मजे में होंगे जैसे मैं एकदम मजे में हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं उस गांव में जहाँ पे हमारे एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई थी, जो कि काफ़ी बड़े यूट्यूबर, नाम नूम मैं लूंगा नहीं, तुम्हें सबको पता ही होगा। 9-10 बंदे थे वो अपने गाँव के पास में, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, राजस्थान का गाँव है अजमेर के पास में, ये भी बता देता हूँ मैं तुम्हें। हमारे दिल्ली से पड़ता है 400 किलोमीटर, बाकी तुम्हें पता है रहने वाला मैं जयपुर का हूँ, तो मेरे जयपुर से पड़ता है 100-150 किलोमीटर बस। तो दिन में आके वीडियो हमने बना दी प्रॉपरली, अभी रात में गाड़ी यहाँ खड़ी करी है। दो बंदे मेरे गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, एक मैं हूँ और एक मेरे साथ वाला बंदा है। हम दो बंदे जाएंगे अंदर जहाँ पे उन बंदों को भूत दिखा, एक्टिविटी दिखी। ठीक है, रीज़न यार दो बंदों का लाने का मेरा सिर्फ एक ही है कि कल को कोई बंदा ये पॉइंट आउट ना करे कि तुम चार बंदे थे, इसलिए मैंने अपने दो बंदे छोड़ दिए गाड़ी के अंदर, कि तुम गाड़ी में बैठो, जो मेन वॉन्टेड जगह इधर अंदर जाके वो हम दो ही जाएंगे। जबकि जिस बंदे की वीडियो देखकर हम यहाँ पे आए हैं, जिस बंदे की वीडियो देखकर आप सब लोगों ने कमेंट किए थे, उस वीडियो में 9-10 बंदे थे साथ में, फिर भी उनको ऐसी एक्टिविटी दिखी और उनको डर लगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, डर निकाल देते तुम्हारा, अगर सच में डर लगा है तुम्हें और अगर तुमने फर्जीवाड़ा करा है तो फिर तुम्हें पता ही है मैं जूते मारता नहीं हूँ, मैं भिगो भिगो के जूते मारता हूँ, सूखे जूते मारने की आदत नहीं है मेरी। आ जा। अच्छा, दिन में हम आते टाइम उस तरफ से आए थे नाले के, अभी हम रात में इस तरफ से आए हैं, यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता। आ जा, एक बार नीचे उतर जाते हैं फटाफट फटाफट, अंदर अच्छी चीज है। राजेश भाई, ये वही पेड़ है ना? यही वाला है क्या वो? हाँ, हमको नहीं दिख रहा साला कोई। बाबा, यही वाला वो पेड़ जहाँ पे उन बंदों ने दिखाया था कि यार इसके पीछे कोई एक्टिविटी हुई है, कुछ हुई है। और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, उधर की तरफ से कहीं दूर से, दूसरे गांव में से ना आपको आवाज़ आ रही होगी जागरण वगैरह होने की, वो जागरण हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्या है कि फुल नाइट जागरण चलता रहता है। बाकी यही वाला था ना वो पेड़। हाँ जी, देख लेते हैं हम तो बाबा यहाँ खड़े हैं, कोई भूत बात, कोई एक्टिविटी अगर हमें दिखती हो तो हम खड़े हैं यहाँ पे रात के 2 बजे, हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा यहाँ पे। और जहाँ तक वो है ना, इधर से कहीं से, मतलब वो बंदा क्या है कि यहाँ से चल के जाए से, ऐसे ऐसे चल रहे थे आगे से, और ऐसे ऐसे चलते चलते पीछे से वो कुछ चीज़ दिखी थी, मतलब कुछ सेकेंड्स के लिए वो पार्ट दिखा था, लेकिन मेरे हिसाब से वो क्या है कि यहाँ पे हो सकता है या तो कोई कपड़ा वगैरह पड़ा हो, है ना, और फ़ोन का क्योंकि कैमरे का फ्रेम घूम रहा था इस वजह से ऐसा लगा हो कि कुछ हो, बाकी मेरे को ऐसा लगता नहीं है ऐसी कोई बात है। और वो भी जो उन बंदों ने वीडियो बनाई है ना, उनको भी उस टाइम तक कुछ नहीं था, बाद में जब लोगों ने पॉइंट आउट किया तब उन्होंने भी फिर एक वीडियो और बना दी इसी चक्कर में, ये दिखाने के लिए कि हाँ ठीक है भाई, अगर लोग बोल रहे हैं कुछ था तो हम भी बोल देते हैं कुछ था, ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएंगे। तो इस चक्कर में उन बंदों ने भी वीडियो बना दी यहाँ पे। हाँ भैया संजू, ये कहाँ आ गए हम? उसी कुएं पे आ गए जहाँ पे अपना उस वीडियो के अंदर एक बंदा भागा दौड़ी करके जाता है कि मेरे को यहाँ पे कुछ दिखा है, मतलब बाद में दिखाता हूँ, शुरू में ऐसे एक्टिंग करता है कि मैं एक तरीके से हिप्नोटाइज हो गया और मैं अपने आप चलता हुआ जा रहा हूँ यहाँ पे, फिर इसको पकड़ के वापस उधर ले आते हैं, उधर रास्ते पे ले आते हैं और आगे की तरफ चले जाते हैं। और ये नीचे देख कांटा, एक बार बाबा इस कुएं के अंदर का सीन दिखाओ, ऐसी कौन सी चीज थी जो उसको हिप्नोटाइज कर रही थी या वो खुद ही एक्टिंग कर रहा था? भाई मुझे तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा, और यहाँ पे ऐसा कुछ तो मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है, नीचे कुछ पत्थर वत्थर जरूर पड़े, और ये देखो मैं एकदम किनारे पे खड़ा हूँ इस कुएं के। अगर कोई ऐसी चीज है तो मैं चाहता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, अगर कोई ऐसी चीज है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को अंदर खींच के ले जाए। खड़े हैं भैया, है भाई संजू? हाँ खड़े हैं ना। हाँ हमें भी ले जाओ अंदर यार, वो तो वहां से रास्ते में से उठा के उसको यहाँ पे हिप्नोटाइज कर ली थी, तो हम तो यहीं खड़े हैं, है क्या कोई? हाँ भाई, अरे आजा, कोई नहीं है यहाँ पे, आगे चलते हैं। आगे का ना एक मेन एरिया है, तो मैं चाह रहा हूँ
जहाँ पे उन बंदों ने ये बोला था ना कि भाई यहाँ पे जाने से तो हमारी फटती है ढंग से, मैं चाह रहा हूँ कि वहां पे जाके आए एक बार, वो जगह देखनी है मेरे को। बाकी यार जहां तक ना मेरा पर्सनल ओपिनियन मानोगे ना तुम, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब मान लो कोई शहर वाला बंदा है ना, उसको जरूर ऐसा लगेगा कि यहाँ पे यार थोड़ी मिट्टी विट्टी है, दोनों साइड पेड़ है, उसको जरूर लगेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है, पेड़ वेड़ है, मिट्टी विट्टी है, थोड़ा सुनसान एरिया है। लेकिन अभी मेरा क्या है कि मेरे को तो वैसे भी आदत है ऐसी जगहों पे जाने की, और दूसरा क्या है कि मैं खुद भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो इस चक्कर में ना ये तो मतलब कुछ नहीं है, बच्ची चीज़ है ये, बच्ची, ठीक है। मेरे गांव के पास में ऐसी ऐसी जगह है ना, अगर मैं वहाँ वीडियो बनाने लग गया ना, मतलब जो बोलते ना फटके हाथ में आ जाएगी, ऐसी ऐसी जगह है मेरे गांव के वहाँ पे, लेकिन वो हॉन्टेड है ही नहीं। हम कहाँ पे चल रहे हैं भाई? हम चल रहे हैं उस गड्ढे के पास में पहले, जहाँ पे उन बंदों ने बोला था ना कि भाई यहाँ आने में तो हमारी फटती है, हम तो आते ही नहीं यहाँ पे, हम पहले वहाँ चलेंगे। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, किसी को जगह समझ में ना आ रही हो तो हमारी दिन वाली वीडियो देख लेना, इससे पहले वाली वीडियो दिन की है, वो देख लेना, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो क्या है कि रात का टाइम हो रखा है, तो अच्छे से शायद आपको समझ में ना आए। संजू, दिन में भी हम यहीं पे आके खड़े हुए थे। हाँ है कि नहीं? कुछ नहीं है यहाँ पे, यहीं आके खड़े हुए थे ना दिन में, चले नीचे ही। अब मैं सोच रहा हूँ अंदर ही चलते हैं। चल भाई, मजा तो तभी आएगा ना, आ जा। चल, इसी चीज में मजा है भाई। अरे ये क्या है मेरे यहाँ पे? अच्छा ये बटन खुला हुआ है। बटन खुला हुआ है, चल कोई नहीं, खुला रहने दे, आ जा। लो भाई, ये वो गड्ढा है जहाँ पे अपने उन भाइयों ने बोला था कि यहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग हुई है, जिसकी वजह से ना हम यहाँ पे जा नहीं रहे हैं, और यहाँ पे मतलब किसी के साथ में कुछ मिस हैपनिंग हुई थी। अभी देखो अगर रियलिटी में हुई है, वैसे तो मेरे को लगता नहीं है, यहाँ से हाइट दिखाइयो भाई, हाइट दिखा समझू, मुश्किल से 4-5 फीट की हाइट है ये, ठीक है। यहाँ से गिर के पहली बात तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, बट बाय चांस अगर हुई भी है तो मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा उसके बारे में। लेकिन ये है कि अब जो वो बंदे बोल रहे हैं ना, यहाँ पे हम आते नहीं है क्योंकि यहाँ पे भूत दिखते हैं। तुम्हारा भाई खड़ा है, ये लो गड्ढे के अंदर, दिखा दो हमें भूत, हम भी खड़े हैं ना बाबा, भूत दिखेगा तो सबको ही दिखेगा ना, दिखाओ। और ऐसे गड्ढे एक बार, रुक जा, लाइट मारो जरा संजू की तरफ में। संजू, ऐसे गड्ढे अपने गांव में कितने है ये बता भाई? गिनते नहीं ऐसे तो, ऐसे गड्ढों की गिनती नहीं है, इतने गड्ढे हैं हमारे गांव में ऐसे, ठीक है। मतलब एक बार को बंदा सोचे ना कि भाई कोई 40-50 फुट गहरा गड्ढा है तो फिर भी मान ले, ऐसे गड्ढे बता संजू कितने अपने गांव में? भाई कह रहा हूं ना, गिन नहीं सकते ऐसे तो। गिन नहीं सकते, इतने गड्ढे हैं ना बाबा, गिनती भूल जाओगे तुम, ठीक है। अब जो शहर के बंदे, उन्हें लगता है कि यार गांव का एरिया है, पूरा जंगल जंगल है, ये है वो है, अजी घंटा मेरा, कोई जंगल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल जगह होती है ये, सिर्फ मन का वहम होता है ये। इसी चक्कर में अब, क्योंकि फोन पकड़ने के लिए एक बंदा चाहिए था, ठीक है, इस चक्कर में इसको लेके आया हूँ साथ में, फोन भी पकड़ रखा है इसने, लाइट भी पकड़ रखी है जिससे वीडियो बन रही है। अपने दो बंदों को बाहर छोड़ के आया हूँ स्पेशली, कि चार बंदे अंदर नहीं चलेंगे, बंदे मैक्सिमम दो, वरना पहले मैं सोच रहा था मैं अकेला आ जाऊँ, फिर मैंने कहा यार जगह ढंग से दिख नहीं पाएगी, अगर एक हाथ में लाइट पकड़ ली और एक हाथ के फोन अंदर पकड़ लिया ना, तो फिर दिख नहीं पाएगी जगह। तो इस चक्कर में मैंने कहा दो बंदे चलते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा नहीं होंगे। और वो बंदे कितने आए थे संजू? भाई 8-7 थे वो तो कम से कम, मेरे हिसाब से कम से कम 9-10 बंदे थे वो, है ना। और उनकी फट गई थी यहाँ, ये गड्ढा ये भी है बाबा, इसमें तो नहीं है कोई काम। हाँ, अगर उनके हिसाब से कल को वो जाके ये बोल दे के गड्ढा वो वाला नहीं था, कल को वो बोल दे वो वाला गड्ढा नहीं था, ये वाला गड्ढा था, ये ले इस गड्ढे के पास खड़ा हूँ, अगर दम है किसी में, ओपन तो है पता है आदत अपनी, ओपन चैलेंज देते पूरी दुनिया को, जो भूत दिखा सकता है दिखा दे, और भूत को भी ओपन चैलेंज देते हैं, जो पाड़ सके पाड़ ले। भाई वो इधर से गया था बंदा, बाकी भाई उसके बाद में यहाँ से बंदे गए थे, इधर दिखाइए लाइट, उधर तक दिखा दे आगे तक, इधर लिया। बाकी भाई उन बंदों ने क्या करा था, उधर से आए थे पीछे से और यहाँ से निकल गए थे वो,
वहाँ खड़े हुए उन्होंने बोला कि हम गड्ढे के पास नहीं जाएंगे क्योंकि हमें डर लगता है। उसके बाद में वो यहाँ से निकल गए। अब यहाँ से निकलने के बाद क्या हुआ भाई उनके साथ में? वो अकेला गया था इधर से। हाँ, उनमें से एक बंदा जो वहाँ कुएं के पास पहुँच गया था, वो बंदा यहाँ से भागता हुआ गया था कहीं से, ठीक है, और उसको पकड़ा फिर बाकी सब ने, बाकी पकड़ा उसे, बोला रे इधर कहाँ जा रहा है, इधर कहाँ जा रहा है, तो वो बोला मेरे को वो दिखा, मेरे को वो दिखा। सबने पूछा क्या दिखा, बोला जो कुएं पे दिखा था। मतलब यार हद है, यहाँ पे दिखा, क्या दिखा, दिखा जरा चारों तरफ दिखा बैंड, तो क्या दिखा यहाँ पे, दिखा कुछ नहीं है, क्या दिख गया उस्ताद जी, हम भी खड़े हैं यहाँ भाई राजेश। हाँ, ये वही पेड़ है इधर। कौन सा? ये इधर वाला। क्या था इस पेड़ पे? इसी के आके तो वो कर रहे थे नाटक आगे आगे का। कैसे नाटक? वो जो नीचे बैठ गया था ना उसको उठाने का, वैसे अच्छा वो यहाँ कर रहे थे क्या? हाँ यहीं पे। अब आवा, ये पेड़ भी दिखा लेते हैं इनका। एक पेड़ का तो मेरे को मालूम है, वो पीछे जो वो सूखा पेड़ था एक, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बकचोदी चल रही थी, यहाँ पे भी कुछ कर रहे थे। हाँ यहीं पे कर रहे थे कुछ। ऊपर है पेड़ तो, ये तो इधर है, इसी के नीचे था, यहीं कहीं बैठे थे क्या? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे वो। हाँ, अरे यार दिन की वीडियो में एक बात बोली थी मेरे में से या संजू में से कोई सा रो जाए या बोल दे कि यार कुछ गलत लग रहा है, मान लेना गलत है, लग रहा है कुछ गलत संजू? भाई हंसी के अलावा कुछ नहीं आते उनकी एक्टिंग को देखे। यार मतलब पता क्या संजू, यार दिक्कत इस बात की नहीं है कि बंदे वीडियो बना रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं, उस चीज़ से दिक्कत नहीं है। दिक्कत मेरे को एक तो इस बात से है कि एक तो गलत चीज़ दिखा रहे हैं, और वो गलत चीज़ इतनी गलत चीज़ है कि उससे ना दूसरे लोगों के माइंड पे इम्पैक्ट पड़ सकता है बहुत गहरा, उनको लगेगा कि यार सच में भूत होते हैं। और दूसरी बात, इतना बड़ा चैनल, 12 मिलियन सब्सक्राइबर उसके, उसके पास वैसे ही लाखों रुपए आ रहे हैं यार महीने के, उसको क्या जरूरत है ये काम करने की? मतलब वो जो अपना काम कर रहा है, जो नॉर्मली करता है, उससे भी बहुत पैसे आ सकते हैं उसके पास में। कोई नहीं बाबा, हम आए यहाँ पे और ओपन चैलेंज है, उनमें से किसी बंदे में दम हो, ओपन चैलेंज है, किसी में दम रोक के दिखा दे भूत में, जिस मर्जी में, जो मर्जी आ जाए, जिसमें दम रोक के दिखा दे ना। भाई राजेश इधर से गए थे वो, कहाँ से? इधर से, ये सड़क है ना ऊपर शायद। हाँ ये ला, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, कोई आसपास में छुटके बैठा हो ना भूत या कोई इंसान बता देना। दिल्ली से यार हम 400 किलोमीटर दूर आए अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए, मेरी शिमला की ट्रिप प्लान हो रखी थी, तेरे को बताऊं संजू मैं, शिमला की ट्रिप प्लान थी मेरी आज की, लेकिन सब्सक्राइबर्स ने इतना कमेंट किया कि भाई इस नाम से इतना बड़ा चैनल है उनको यहाँ पे कुछ दिखा था, उसके चक्कर में अपनी शिमला की ट्रिप कैंसिल करके यहाँ आया हूँ 400 किलोमीटर, इसलिए सिर्फ इस एक वीडियो के लिए। शिमला में जाता मेरी 10 वीडियो बनती, सिर्फ एक वीडियो के लिए आया हूँ। ये इधर तक गए थे, बाकी ऊपर का नहीं दिखाया उन्होंने? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से ना वो यहाँ से ऊपर से भाग के चौधरी कर रहे थे कि हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, यहाँ भूत दिख गया हमें। अरे वो शॉर्ट काट काट के दिखा रहे थे ना। हाँ, इससे वो कंफ्यूज दिखा रहे थे, भूत दिख गया हमारे साथ, ये हो गया वो हो गया, तो अब हम वापस वहाँ से नहीं जाएंगे, अब तो हम यहीं से जाएंगे। हमारे को कन्फर्म नहीं है, मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, मेरे हिसाब से वो यहीं से गए थे, ऊपर आए थे रोड तक और यहाँ से गए थे जहाँ तक मुझे याद है। अरे इसके आगे भी तो भाग के गए थे वो। हाँ आगे भाग के गए थे, ये पीपल का पेड़ है ना। हाँ ये पीपल का पेड़ है। कौन सा? ये वाला इधर। अच्छा यहाँ आए थे क्या वो? हाँ यहाँ पर लाइट मारूंगा इस पे पेड़ पे। मेरे को जहाँ तक याद है ना वो लास्ट में भी भाग गए थे, भाग भूग के गिरते पड़ते अपने घर पहुंचे थे, ऐसा दिखाया था उन्होंने वीडियो में। हाँ ये रहना पीपल का पेड़ दिख नहीं रहा क्या? नहीं, इसके लाइट बढ़ा, लाइट बढ़ा देते एक सेकेंड। ये रहा भाई पेड़ वो, ये देख रहा हो तुम्हें, पीपल का सा पेड़ है ये, और मैंने येलो लाइट भी ऑन कर दी अपने। पीपल के पेड़ के पास क्या करा था उन्होंने? कुछ नहीं किया था, इधर से बता रहा था ये रास्ता है उधर का। अच्छा कर ले, कम कर ले, लामा कर देता हूँ। इसके एक हाथ में भाई साहब लाइट है, इस चक्कर में ना ज्यादा कर नहीं सकता कुछ इससे। आ जा, इसके आगे तो बस वही था, गिरते पड़ते वो अपने घर में पहुंचे है ना। इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ था नहीं, जो था वो नीचे ही था,
कुएं के पास में गड्ढे के पास में जाने में उनकी गांड पटकी, ठीक है, साइड से वो निकल के आ गए और बकचोदी मारने लग गए। तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी देर और स्पेंड कर लेते हैं नीचे जाते हुए और हम वापस भी वहीं से जाएंगे, ठीक है। हम जाते हैं डरते डरते इधर उधर से दूसरा रूट पकड़ ले, वो काम नहीं अपना। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ पूरे साहब को, आसपास वालों को, कोई सा अगर हो तो सोचे कि हमारी वीडियो फेक साबित ना हो, आ जाना तब मैं तो रोक के दिखा दे जाना, 10 बंदे खड़े हो जाओ यहाँ पे, जिसमें दबा रोक के दिखा दो यहाँ पे आके। अरे भूत है तो भूत से तो हम वैसे भी नहीं डरते, कहाँ से जानी चूतन में रास्ता। आगे है भाई, काफ़ी आगे आगे यार। मतलब उन मंदों ने क्या करा मेरे समझ नहीं आ रही, अपने गांव में अपने घर से बाहर निकल के लेफ्ट में मुड़े और बोल दिया भूत 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 भूत, मतलब क्या बकचोदी है ये रंजू। बहुत खतरनाक वाली है भाई, खतरनाक वाली, मतलब हंसी नहीं आती इस चीज़ पे। ये तो देख रहा था मैं इनका व्यूज देखा ना, फ्रस्ट्रेशन वाला दिमाग हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि मैं स्पेशली दिल्ली से अपनी ट्रिप कैंसिल करके 400 किलोमीटर यहाँ पे आया हूँ, भागा भागा एकदम फुल स्पीड में, कि भाई पहले इस वीडियो को बनाऊँ, इसका मिथ क्लियर करूं, क्योंकि वो इतना बड़ा चैनल, उनको देखने वाले इतने बड़े बंदे, और उन्होंने इतने सारे बंदों के दिमाग में मिथ डाल दिया कि यार कुछ था, हमारे टीम मेंबर को तो कुछ दिखा, ऐसे ऐसे एक्टिंग कर रहे थे, खड़े हम यहाँ पे, किसी को कुछ दिखा हो, ओपन चैलेंज बाबा, खड़ा हूँ यहाँ पे, जिसमें दम है, भूत में, इंसान में, आस पास में जिन्होंने वीडियो बनाई है उनका भी पास में घर है, जिसमें दम आ जाओ और कोई बकचोदी मार के दिखा दो, फिर सबको पता ही है कि इंसानों के लिए सेफ्टी हम ले गए चलते हैं, भूत होएंगे तो देखी जाएगी, इंसानों की सेफ्टी है अपने पास में, कोई टच करके दिखा दे एक बार आके यहाँ पे, अपने घर से 400 किलोमीटर दूर आके किसी अनजान गांव में खड़ा हूँ, जिसमें दम है रोक के दिखा दे। यार भाई सीधी सी बात है, सच दिखाओ ना तो बंदों को डर नहीं लगता, झूठ दिखाने वालों को लगता है डर सिर्फ। आ जा चल चलते नीचे वापस वहीं से, चलो भाई अपन सच्चे बंदे हैं, अपन डरते नहीं हैं, वही कुछ बकचोदी मारेगा देख लेंगे। अभी थोड़े दिन पहले समझो, हाँ भाई मेरा एक दोस्त आके गया था यहाँ पे, यूट्यूबर है वो भी, वीडियो बनाने के लिए आया था वो यहाँ पे, सच्ची वीडियो, नाम नहीं लूँगा मैं उसका, कौन था कौन नहीं था, वीडियो बनाने आया था यहाँ पे वो, आया ना मतलब उसने ये बताया कि भाई मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 बंदे आए मेरे पास बाइक पे, उन दोनों की शक्ल वैसी लग रही थी जैसे वो 8-9 बंदे थे ना वीडियो में, वैसी शक्ल लग रही थी, और वो आके मेरे को पूछने लगे यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों खड़े हो यहाँ पे, क्या करना है यहाँ पे। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे वीडियो बनानी है हमको, हमने देखा था एक बंदे के चैनल पे, ठीक है, तो बोल रहे नहीं नहीं यहाँ कोई वीडियो नहीं बनानी है, गांव है, ऐसे है वैसे है, रात का टाइम है, यहाँ भूत रहते हैं, ऐसे रहते वैसे, ऐसे धमका धमकू के डरा के भगा दिया उसको, क्यों। और फिर उसने मेरे को बताया बाद में कि भाई उन दोनों बंदों की शक्ल वैसी लग रही थी जैसे वो 8-9 बंदे आए थे ना वीडियो में, उनमें से ही थे वो 2 बंदे। बोला अच्छा ऐसी भी बात है क्या, और कोई दिक्कत नहीं है भाई, भूत आएगा तो भी थ्रू रिवील होएगा, और जो उनमें से मेरे को कोई दिख गया यहाँ पे, जिसने मेरे को ये बोल दिया यहाँ वीडियो मत बनाओ ताकि तुम्हारा त्रुत रिवील ना हो, मेरा असली रूप देख लेंगे वो यहाँ पे, फिर मैं बोलना नहीं चाहता, अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है। 400 किलोमीटर अगर बंदा आया ना कहीं से अनजान गाँव में, तो वो सोच समझ के आया होगा, वो कोई इतना बुद्धू नहीं होता, मुंह उठाए और आ जा चल, ठीक है। हमसे पहले जो बंदा आया था मेरा जानकार था वो, उसको वीडियो नहीं बनाने दी यहाँ पे, डरा धमका के भगा दिया, हम खड़े हैं, ठीक है, जिसमें दमो रोक के दिखा दे। एक बार फिर से उस गड्ढे के पास चलते हैं ना संजू, उस गड्ढे के पास चलते हैं, वहाँ थोड़ी देर खड़े होते हैं, फिर उस कुएं के बाद में वापस कुएं के पास चलेंगे, एंड देन वीडियो ख़त्म कर देंगे जहाँ से शुरू करी है, क्योंकि मेरे हिसाब से हमें ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है जब से हम यहाँ पे आए हैं, और वापस जाते जाते भी हमें मान लो लगभग 1 घंटा हो जाएगा, अगर कुछ होना हो या कुछ दिखना हो तो इतनी देर में दिख जाता है। क्या हो गया, दिख गया क्या कुछ ना भाई, अरे कुछ दिख गया हो तो
अरे ऐसा ही देख रहा था, मैं देख रहा था कोई दिखता है मुझे, मुझे भी देखना है यार। अपने को नहीं दिखेगा, अपने को किसी को कुछ नहीं दिखता बाबा। नहीं जिसको दिखना आता है वो उसको कभी नहीं दिखता, ऐसे सोचते हैं लोग। चक्कर क्या है यार, सच कभी नहीं दिखता। झूठ दिखाना है यार, यहाँ जानवरों की आवाज आ रही है, दिखा दे यहाँ से जानवर की आवाज आ रही है, सू 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 कर रहे हैं, ठीक है। सांप आप होते हैं, चूहे होंगे या सांप होंगे जो भी है, अपने यहाँ से आवाज आ रही है। छोड़ो, अगर वैसे एक मेंटेलिटी की तुमसे बात करूं तो हो सकता है रात को कोई बंदा अकेला है उसको ऐसी आवाज आए वो डर जाए, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा दिल स्ट्रोंग है, तुम्हारा दिमाग स्ट्रोंग है, तो तुम वहम में तो यकीन नहीं करोगे। अब हाँ ये है कि भाई हम चल रहे हैं, हमारे सामने आके कोई खड़ा हो जाए फिर गायब हो जाए, यकीन करना पड़ेगा अपनी आंखों पे। बेशक यकीन ना हो कि ऐसा कुछ हमने देखा, पर करना पड़ेगा। लेकिन चक्कर क्या है कि ऐसा कुछ तो होता नहीं है, होता क्या है किसी जानवर की आवाज़ आ जाती है ना, तो उस चक्कर में बंदा डर जाता थोड़ा बहुत। यहाँ क्या डरेगा, ये दिखा दे भाई, उधर से दिखा दे, सारा पूरा खाली एरिया है। भाई समझू, ये गड्ढा दिखा दे एक बार, ये वही वाला गड्ढा है जिसके हम एकदम पास में खड़े हैं, जहाँ वो दूर दूर तक नहीं आए थे। इसके अलावा ना मैं एक बार इधर जाने की सोच रहा हूँ, एक बार इधर क्या है, इधर ना कुछ मेरे को स्ट्रक्चर सा दिख रहा है, क्या चीज है, नाला है, ये पुलिया है मेरे हिसाब से, थोड़ी मोटी पानी की, देख लेते हैं। मतलब उन बंदों में तो इतना दम नहीं था, उस वैसे तो खैर एक्टिंग थी, वो तो मेरे को पता ही है। वहाँ दिखा एक बार, यहाँ से कम भी ना 50-60 फुट दूर से एक जगह सी जा रही है, वो बंदे वहाँ से निकल गए दूर से, ये बोल के कि हम भाई उस गड्ढे के पास नहीं जाएंगे, वहाँ भी डर लगता है, ठीक है। और बाकी फिर भी एक्टिंग करनी, भूत दिख गया, ये दिख गया, वो दिख गया, यहाँ आने का तो सवाल ही नहीं है, ये क्या चीज़ है। अरे पुलिया है यार, क्या है इसमें देखने का। नहीं वैसे बस देखने आ गए, उन्होंने तो ये चीज दिखाई नहीं, हम देखने आ गए यहाँ पे। अरे ये तो मेरे साथ पगडंडी है, वैसे तो सिंगल आदमी के लिए टाइप है, और मैं दिखा देता हूँ एकदम से, नथिंग स्पेशल। पगडंडी है भाई एकदम चलने के लिए। चलते हैं समझो, अब उस कुएं के पास में है ना, कुछ नहीं है यार यहाँ पे, चलना उस कुएं को भी देखना है, उसी पे था कुछ है तो कुछ नहीं, वो तो अपने को तो पता ही है। लेकिन जनता कंफ्यूज हो जाती है ना, जिनको ऐसा लगता है कि यार बड़े चैनल उसने भूत दिखा दिए, मतलब भूत है, हमारा भाई बैठा है यहाँ पे, और यूट्यूब पे चैलेंज है जिसमें दम हो ना, यूट्यूब पे क्या मतलब वैसे भी चैलेंज है टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें दम होना भूत दिखा देना, जहाँ तुम बोलते हो भूत होते हैं वो जगह कमेंट कर देना, जा कहेंगे हम रात के टाइम पे। वैसे एक बात तो समझू, ये जगह इतनी ओपन है चारों तरफ से कि अगर हम चाहें ना बढ़िया एक शॉर्ट फिल्म शूट कर दे यहाँ पे भूत वाली। अरे भाई जैसे उन्होंने करी थी, इसको भूत दिख गया, ये भाग रहा है, वो भाग रहा है, और मेरे ये समझ में नहीं आया वो 10-10 बंदे क्या लेने आए थे। मतलब अगर तुम्हारी भाई इतनी ही फटती है सच में, क्योंकि वीडियो में तो तुमने ये बोला कि हमें बहुत डर लग रहा है इसलिए हम 10 बंदे गए हैं, अगर सच में इतनी फटती है ना तुम्हारी तो क्या लेने आए थे तुम यहाँ पे। और अगर सिर्फ फर्जीवाड़ा करा तुमने तो भाई साहब तुम्हारे पास पैसों की क्या कमी पड़गी, ऐसी या ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जिसके लिए तुम्हें इतना फर्जीवाड़ा करना पड़ गया यार, ये चीज़ मेरे समझ से बाहर है। क्यों, क्यों का जवाब मेरे को आज तक नहीं मिला। जितने बंदे भी फेक वीडियो बनाते हैं ना वो उसका क्यों का जवाब नहीं मिला। पैसों के लिए बनाते हो तो कोई ईमानदारी वाला काम ढूंढ लो भाई। और इन बंदों के लिए तो मैं क्या ही बोलूं भाई, इनके पास वैसे ही इतने व्यूज आते हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं कि इनके पास वैसे ही बहुत पैसे हैं, फिर भी फर्जीवाड़ा। लो जी अंदर दिखाइए मिस्टर संजू मीणा। ले भाई। हाँ जी, ये तो ये ले, अपने घर का जो कुआं है ना गांव वाला, वो इससे ज्यादा ऊंचा है कि काफी ज्यादा है वो तो, है ना। ये मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना होगा, 10, 20, 30,
पत्थर पे का वो नोक के हिसाब से जाता है तो क्या मेरे को दिख गया ना वैसे 10-20-30 30 है ना तो ज्यादा से ज्यादा 40 या 40 फुट होगा इससे ज्यादा क्या होगा 35-40 फुट से ज्यादा नहीं है ये और इसके अंदर डर रहे हैं हमारे भाई तुम्हें बताऊं ना कभी तुम आओगे ना हम तुम्हें ट्रीट करेंगे अच्छे से कोई टेंशन वाली बात नहीं है कभी मन करे ना दोबारा हॉरर वीडियो बनाने का हमारे वहां जाना तुम्हें हम ज्यादा नहीं तो ना ज्यादा बात मैं करता नहीं मेरे गांव में आओगे ना तुम्हें कितना 210 या 220 फुट का तो अभी खुदवाया था हमने ठीक है वहां पानी की कमी है इसलिए ज्यादा गहरा खुदवाना पड़ता है 210 या 220 फीट का कुआं खुदवाया हमने और बाकी तुम गांव में जाओगे ना तो इससे ज्यादा के भी मिलेंगे और इससे कम के भी मिलेंगे तो अगर तुम्हारा मन कर जाए तुम्हें लगे कि यार ये जगह उतनी अच्छी नहीं है और इंटरेस्टिंग जगह होनी चाहिए और भूतिया जगह होनी चाहिए जब मन करे ना मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे @rajeshdevikul नाम से मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है जब मन करे आ जाना तुम्हारी एक नंबर की वीडियो बनाऊंगा टेंशन मत लो लेकिन बनवाऊंगा सच्ची अगर जो तुमने एक्टिंग करी फिर तुम जानते ही हो मेरे को फेक बंदों के साथ में मैं बहुत बुरा हूँ सच्ची वीडियो बनाओगे तुम बोलोगे तुम्हें भानगढ़ में बनानी है भानगढ़ में बनवाऊंगा पूरी रात कुलधारा में बनवानी है कुलधारा में बनवाऊंगा डूमस बीच में बनानी है वहां बनवाऊंगा टॉप 300 प्लेस है इंडिया की तीनों जगह बनवाऊंगा नाइट में पूरी नाइट फर्जीवाड़ा करोगे तो फिर चाटा भी खाओगे ये बात ध्यान रखने का ये फिर से वही पेड़ आ गया भाई अब मेरे को लगता है नहीं यार इसके अलावा यहाँ पे करने के लिए कुछ है नहीं सामने रोड है वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है जाना हमने वापस घर जिस बंदे को अभी तक ये ना लगाओ कि भूत नहीं होते और जो उन्होंने वीडियो में दिखाया वही सच है उसको जयराम जी की जिसको लग गया कि भाई ये बंदे सही बोल रहे हैं थम्स अप मारो लाइक मारो वीडियो को शेयर करो उन बंदों को जिन्होंने फर्जीवाड़ा दिखाया और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी वीडियो मिलती रहती है ना संजू हाँ भाई मिलती है कि नहीं मिलती मेरे को तो मिलती है देख जाके देख लेना ऐसी ऐसी जगह की नाइट की वीडियो बनाई हुई है ना जहाँ पे औकात से भारे इन बंदों की ऐसी ऐसी जगह की वीडियो बना के डाल रखी है समझ रहे हो तो बस बाबा घर जा रहे हैं अब हम इससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं दिखाने के लिए कुछ है चलो एक चीज और दिखा देता हूँ यार यही शॉट है वहाँ पे पेड़ वापिस बाय बाय।